Podcast 4, take 1. Yes! And then this. हमारा बजट जो है स्लोली स्लोली अजीज ने जो है जो मुझे लगता है की डांट पड़ी है अजीज को और बाकी लड़कों को जो डांट पड़ी है उसकी वजह से आज उसने थोड़ा क्वालिटी अजीज को पकड़ पकड़ के मारा है या नहीं सर धो दिया फायर करने लगा था मैं तो फील्स गुड टू बी बैक क्या क्या तासुरात हैं कल के पॉडकास्ट के बाद दोबारा से हमने कहा कि लेट्स डू अनदर वन यस बैक टू बैक आप दे रहे हैं क्या बात है क्या बात है टू डू अनदर वन येट अनदर वन अब आज का जो टॉपिक है जो हमने चूज किया वो है मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम सबके लिए यूथ के लिए हम मर्द यूथ कहते हुए मेरी तरफ आपने खास तौर पे इशारा किया आपके माइंड में थोड़ा डाउट है अगर माइंड में थोड़ा डाउट होता ना कि शायद नहीं तो मैं क्लियर कर दूंगा लेकिन यू आर आल्सो पार्ट ऑफ द यूथ तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट बीइंग वेल वेलनेस पे अपने आप को ठीक तरह अच्छी तरह कैसे यंग रखने का यंग कैसे रख सकते हैं यंग रहने का यंग रखने का यंग बोलने का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आजकल की हालात को देखते हुए जितना स्ट्रेसफुल सिचुएशन है आजकल इतनी स्ट्रेस है लाइफ में और अभी वो तकरीर नहीं शुरू की अभी नहीं करेंगे आप थोड़ा सा नहीं वो आप कड़ाके की टोन हां जब टाइम आएगा फिर देखना आप कैसी मैं कड़ाका मारूंगा लेकिन जितना आजकल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं हम लोग तो आजकल खासतौर पर यूथ सोशल मीडिया लाइक्स इंस्टाग्राम और इस तरह की सारी चीजें उस चक्कर में जो स्ट्रेसफुल हालत आजकल हो रही है एज वेल एज पॉलिटिक्स आल्सो और पॉलिटिक्स दुनिया के हालात जैसे हैं पोल्यूशन ऑल दैट वो सारी चीजें तमाम सारी चीजें मिला जुला एक पहाड़ खड़ा कर देती है स्ट्रेस का या आप इसको यूं भी कह लें कि एक ना मजा आने की उम्मीदें बढ़ा देती हैं ना एक एक ना उम्मीदी की भी कैफियत या आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि होपलेसनेस फैल रही है हर तरफ सो उसके लिए हम कह रहे हैं कि व्हाट आर द थिंग्स दैट वी कैन डू होपलेसनेस टू प्रिवेंट ऑल दैट स्टार्ट तो लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रेटजीज जो हम सब लोग अपनी डेली लाइफ में करते हैं राइट वेलनेस को मद्देनजर रखते हुए कंसीडर करते हुए कि क्या लेट्स स्टार्ट विद यू मैं सबसे पहले तो ये करता हूँ कि यानी आप पूछ रहे हैं रूटीन वाइज या हाउ डू यू कोप विद योर स्ट्रेस या व्हाट इज व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट यू डू लाइक हाउ आर यू स्टे यंग cuz यू आर राइट नाउ 23 And right. I see you, you know, acting as if you're just 20. 18. So what is this thing? What is this thing? इस चीज का ये राज है कि जैसे आपने कहा इमेच्योरिटी इवन द वर्ड इमेच्योर सेज आई एम मैच्योर अच्छा अब वो बोले तो आप मैच्योर में ही आप इमेच्योर हैं बच्चे में ही बड़े हैं बड़े में ही बच्चे हैं बाकी बहुत अपने बचकाना बात की बिल्कुल 18 साल के इससे आप मुझे बिल्कुल 18 साल के लगे वैसे ही बात की आपने बिल्कुल जैसे ही आपकी उम्र लगी है वैसे ही बात की आपने देखिए जो मैन ऑफ द पीपल होना चाहिए अगर आपकी ऑडियंस 18 साल की है तो हम भी 18 हैं गुड ह्यूमन होना चाहिए सही इंसान को गुड ह्यूमन होना चाहिए उससे आप समझते हैं कि बंदा यंग रहता है हेल्थ को अफेक्ट होता है जी हाँ बीइंग ह्यूमन सलमान भाई सलमान भाई सलमान भाई से याद आया यार उन्होंने मैंने ये देखा सलमान भाई ने हमेशा से जिम अपनी बॉडी पे फोकस रखा है अपनी मतलब फिजिक पे फोकस रखा है उस तरह करते करते ही स्टिल लाइक 50 एंड अबव 50 से भी अबव हो गया 55 एंड 54 आई थिंक 54 और वो कितना यंग लगते हैं मतलब ही इज ट्राइंग टू गुड स्टिल लुक्स गुड तो आई मीन जिम इज अनदर वे यू कैन स्टे यू नो यंग मुझे ट्रेडमिल नजर आने लग गए बेंच प्रेस नजर आने लग गई आज मेरे बात में इतना असर होता है लोगों को ऐसी नजर आने लगती चीजें जैसे मैं कुछ बोलता यानी कि आपने बोलने से पहले ही मुझे मतलब बोलते के साथ ही नजर आने लगे मुझे ख्वाब नजर आने लग गए जिम के ख्वाब देखना शुरू कर दिया जिम के ख्वाब आपने दिखा दिया ख्वाब ही ना देखते रहना पूरी उम्र चले भी जाना चाहिए राइट एंड इट्स नॉट ओनली इंपॉर्टेंट कि आप जाके हैवी लिफ्टिंग करें सो यू डोंट हैव टू डू दैट
You could also just you know, run, exercise. Right, it's more about a routine. Right. Matlab ki every day you're doing something for your own self, for your own body, right. Mentally tor pe, physically tor pe. Every day, it's a step Achha, up. Let me ask you this, Hussain. तुम्हें देख के लग रहा है आजकल तुमने जिम में काफी दिन लगाए हैं, right? Right. So what are the different strategies that you can give us? So today I went after a while, finally, oh Raja, I had a bad headache before going, mm-hmm. but after I worked out, all that stress of all the load of work that I had on my back, all that stress was released today. So I do recommend just going, because I think you're just watching other people, getting techniques from them, watching other people. यार कभी कभार बड़ा stressful हो जाता है दूसरे लोगों को देख के, वो इतने बड़े बड़े वो उठा रहे होते हैं और आप थोड़ा सा उठाने के लिए struggle कर रहे होते हो. Right. But I think the trick is just making sure ke aur koi aapko na koi judge kar raha hai na koi dekh raha hai, you are your own enemy, right? Aur aapne sirf apne aap se compete kar rahe ho. So of course don't get injured by doing, you know, something stupid. Try to follow whatever everybody else who you could see physically fit is doing, just follow them. But yeah, do your own thing. Gym is about yourself. It's just about getting up from your couch or wherever the hell you are and making it to the gym. Comfort zone, say basically you're trying to get out of your comfort zone. Right. And go to the gym. Right, because that is comfortable to stay at home and in your bed. Hmm. But ultimately that leads to even more depression and stress. Hmm. Pretty sure everyone can. Because you get fat, that. You get insecure. Right. Or phir aapki insecurities badh jati hain phir. तो तस्वीरें आप इंस्टाग्राम पे शेयर नहीं कर सकते. अरे फैट बंदों की तस्वीरें कैसे शेयर करोगे? Without filtering it, a lot of people filter it nowadays. Well, वैसे let's not say कि फैट लोगों को अपनी तस्वीरें वो नहीं. We're just saying कि आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है फैट होना. Right. बंदे को कोशिश करनी चाहिए कि जितना ज्यादा वो अपने आप को कंट्रोल कर सके ओबेसिटी को, वो उतना ही अच्छा. रोते हो क्या मोटे हो? क्या चप्पल मारी है पूरी नहीं की जाए. अच्छा और खाने से भी काफी फर्क पड़ता है ना आपकी. खाने से आई थिंक खाना इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्टेइंग. आप क्या खा रहे हो? ग्रीन्स खा रहे हो आप? अगर ऑब्वियसली अगर आप पिज्जे वगैरह खा रहे हो, हैमबर्गर्स खा रहे हो, तो वो उसका एक डिफरेंट इफेक्ट होगा. वो थोड़ी देर के लिए तो आपको खुश कर देता है. खुश तो खुशी तो मिलती है, खुशी मिलती है. हां, लेकिन वेलनेस नहीं मिलती. वेलनेस अल्टीमेट जो इट्स अल्टीमेटली द क्वेश्चन ऑफ के डू यू वांट द सैटिस्फैक्शन at the moment right now or do you want long term satisfaction? Right, we're choosing ye short term wali jo khushi hai, hum zyada tar short term choose karte hain is time insta cost of insta har cheez insta hai instagram just like instagram aur anything else that you want to add on to the agenda? Yeah, I think also drinking water really helps. Releasing the stress. Right. When you read, you are like kind of living in a different world, which is very, very good for releasing stress. So that's why I read a lot. Every night I read a few pages of a book or a magazine or something. Nice. To, you know, to de-escalate the day and to just calm down my nerves. आपकी हम बातें सुनते हैं. Hmm. Other than, you know, your feed. Because you're saying try that, but honestly, I've tried multiple times. I've tried multiple times, and after maybe the fifth or the sixth day, something happens, and then the next day, you know, something else happens, and then... Ah, routine banani padti hai. I mean, you have to have like a routine before going to bed. So just like going to the gym, making sure you hit the gym, it's just one of those things. Exactly. Yeah, brain ki exercise bhi hai. Brain ki exercise. Basically, aap wellness, jo hum aaj zikr kar rahe hain, it's not only about your body. It's about your brain, right? Or inside your body, like your systems, all the, you know, everything that's going otherwise on in your body. Otherwise, you'll be full, but your brain will also be full. Brain will also be full. The brain's chirpy chirpy is the most dangerous. Okay, today we are here. Okay. Okay, one minute. Let me ask you something. Yes. ये यार एक तीसरी कुर्सी बीच में रखी हुई है. ये हमने थोड़ा सा ये स्पेशल ये mysteriousness का राज क्या है मुझे कोई बता दे. लेकिन mystery का music आना चाहिए जी. Nope.
बड़ा भाई बदतमीज डीजे ढोल बैठा था आज, डीजे ढोल को मिल गया, फायर कर दिया था हमने डीजे ढोल हो जा गोल। ओके वो ये इसका राज ये है कि ऑब्वियसली ये तो यहाँ बैठे हैं, ठीक है, हुसैन यहाँ बैठा है, हमाद वहाँ बैठा है, तो बीच की जगह है वो बीच की बिल्ली, बीच की बिल्ली कौन बनने जा रहा है अभी, इस बीच की बिल्ली जो होगी वो हमारे पास बिल्ली नहीं है, वो बिल्ला है। ओए 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 बिल्ला मियाऊ कहता है या माऊ कहता है वो उससे पूछे से उससे ही पूछ लेते हैं, डिस्कशन में आने काफी टाइम लगेगा। मैं आऊं आओ लेट्स सी मिस्ट्री गेस्ट, मिस्ट्री कौन है, कौन है भाई, कमरे से मुद्दत बाद कमरे से बाहर आया, बड़ी मुद्दत के बाद दिखे आज ये। अच्छा वेलनेस का जब हमने किया उसके साथ ही हमने वकास को बुला लिया है भाई, वकास रियाज इन द हाउस, उसने कुट लगाई है लेकिन अभी आते हुए तंग तो नहीं किया उसने, पानी नहीं पिलाया यार, पानी तक नहीं पूछा, पानी असल में नहीं, वो पानी पानी की अजीज की जॉब नहीं है, हर काम के लिए बंदे रखे, अजीज का वो लॉयर आ गया एकदम, गलती है भाई, क्या वो अजीज से मांग रहा है पानी, ये तेरी गलती है, माइकल रखा ना पानी के लिए, अजीज ही नजर आया पानी मांगने के लिए, शहर से मांग रहे लोग फिर रहे हैं, चिरेट बात तो सुन लो, पानी चिरेट से मांगना था अजीज से नहीं, चिरेट चिरेट नाइजीरियन बना रखा नहीं वो है क्रू का ही है, चिरेट वो पीछे रहता है पानी से देता है, चिरेट 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 देख के लगता नहीं है इसको जिंदगी में कभी पानी मिला है, बिल्कुल उन्हें पानी पिलाने के लिए बताओ यार चिरेट कहां है, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट मिस्टर वकास, थैंक यू, बड़ी मुश्किलों से तुम्हें जो है तुम्हारी गेमिंग गेमिंग सीट से उठाया हमने, हाउ डिड यू डू इट, अच्छा गेमिंग सीट पूरी ले आया हूं यार, अच्छा इसके मसल्स जो काम कर रहे हैं इसकी लेग्स के जितना ये बैठा है, वैसे आप लोग तो ऐसे बात करो मैं तो कभी उठता नहीं हूं, मैं कब उठ रहे हो मुझे नजर नहीं आते, नहीं मैं एक बात बताना चाहता हूं, यू आर फर्स्ट गेस्ट हियर एंड मुबारक हो, एंड हमारा ये उसूल है कि यहां पे जो भी गेस्ट आएगा हम उसे सर पे बिठाएंगे, दैट्स व्हाई यू आर जॉइनिंग, मैं आज गेस्ट हूं कल मैं परमानेंट हूँ, यानी कि फिर आप भी हमारे साथ दूसरों को ऊपर बैठाएंगे, अगर यही चाहते हो तुम तो मैं कर लूंगा, अगर तुम अपनी गेम छोड़ के उठो तो यूर मोस्ट वेलकम, ऑफ कोर्स ये तो कल पता चलेगा, लेट्स टॉक अबाउट सम गेमिंग, ये जो तुम पूरे ऑब्सेशन जो है तुझे फोर्टनाइट से, ये क्या क्या चल रहा है, लोगों को भी पता चलना चाहिए ना, वेयर आर यू बिजी, ये हो गया, let me just before you even say tell me, right. before you tell that like let me ask you this, yes, what is Fortnite something he's wearing right now, like, he's representing DJ Yonder, who the hell is DJ, that he's the king of all the bots, वैसे है ये गधा, yes he does लग रहा गधा ही है यार, देखो DJ, अच्छा अगर DJ Yonder was real life that would be him, me DJ Yonder, yes, अच्छा वकास only DJ I know is DJ Khaled, वकास let me tell you, ये गधा लग रहा है यार, खोता, it looks like a gadha, he's a llama कोई ज्यादा हाँ कोई ज्यादा नहीं है दूर, लामा जो उसका रिश्तेदार है, रिश्तेदार ही है, नहीं वैसे दूर है अगर देखा जाए तो, इलामा एक बार टोक टोक के जो निकाला है लामा, ये नहीं है उसकी जड़ है, बहुत फर्क आ जाता है ना यार, उसका बच्चा है, एक एक लफ्ज की यामा से लामा, अच्छा मेरा क्वेश्चन यार तुमसे थोड़ा सा आज सीरियस और पर्सनल है, मैं जब भी तुम्हें कॉल करूं टेक्स्ट करूं यू आर ऑलवेज बिजी with your little games man, you gotta get up, you gotta get out, you listen, gotta come over here to the studio, you gotta record with us, listen I'm always at the studio, okay, what do you're never here, first of all what do you think about the studio, like space, isn't that amazing, are you feeling the vibe say of the studio, what? say what I'm feeling it, this is amazing, the crew is okay, you can get a better crew, okay, someone that can give me water, okay, Something we could improve on. चिरेट की गलती अजीज जो है ना वो आज मेरे से पिटे बस,
میں نے اسے کل فائر کیا تھا, حسین نے کہا تو رک جا میں اسے دو دن لگاتا ہوں شاید صحیح ہو جائے. یار ہم نے وہ ہر جگہ جگہ واٹر کولرز لگائے ہوئے ہیں, پانی تو وہاں سے اتنا اتنا بڑا خود اٹھے ہوئے ہیں. اگر میں گیسٹ ہوں میں کیوں پانی اپنے آپ دوں, کو مجھے دے میرا خیال ہے اسے پتا نہیں ہوگا پانی ہم یہاں پہ زیادہ چلتا نہیں ہے نا, وہ اور چیزیں چلتی ہیں مطلب کافی کیا ہو گیا یار, تم لوگ کی ذہنیت کیسی ہے یار. Let's talk about that. Let's talk about your life right now. Let's talk about the game. What's happening? Play with us all the time. Yeah, man. So what is it about Fortnite? What's keeping you so busy? Yeah. Okay, listen. I understand you guys are upset with me that I didn't come up to your first podcast. Yes. And your second podcast. And third podcast. Yes. Oh my god. Sad music. The best podcast in the world. Sad music. Dusra lage. Dusra sad music. Oh damn. I'm out of the loop. Reason being. Okay. What is your first reason? Two podcasts. What is so important, man? First you're talking about cricket. Okay. I know nothing about cricket, okay? What? You're Pakistani. Yeah, as we said, it was the biggest game of the century. Yeah. Game of the century with Sarfaraz yawning? Exactly. Obviously, I was gonna freaking find out. Why don't you reply with at least like an LOL or Listen, first off, no, he's too busy with his little games. Fortnite doesn't give you that much time, you know. You gotta be on it all the time. Or do you watch our messages and you just ignore? Denied. Absolutely. Nope. Absolutely. Yeah, yeah. You do remember that I'm still your cousin, right? Or what? Or do you think that we used to be? I want you to feel very accepted. Right now, he only cares about Fortnite friends. He doesn't give out real friends. Oh, listen, I do have Fortnite friends. I'm sorry to tell you guys. Hey! Whoa! I'm sorry. Don't tell me you have Fortnite cousins also. He also has Fortnite cousins. I have Fortnite brother-in-law. I do have a Fortnite family. Yeah, okay. See that? Wow. We're not his family anymore. And we made a new channel. That! Fortnite channel. Listen, I'm sorry. I was going to talk to you guys about this. I'm making videos with them. Thank you for stopping that. Listen, I'm like, listen, okay. Yeah, I'm listening. First off, we're listening. Tell us. We're here to listen. That's the problem that we're listening. Vent. Okay, what was my You my second have point. Another family on Fortnite. That's what you're telling us. I do talk to them more often. You just revealed that in God. Front of us. But in front of the entire world. But the problem here is, yeah, you have nothing to talk about Fortnite about. It's just an obsession that you know. We've asked you so many questions about Fortnite right now. Yeah, you have to answer nothing. Why is your family changed? Wait, hold on. You guys are not giving me the chance to talk. One after another, you guys are just going at it. Oh, so like it's this. Us now? Yeah. Wow. If your other family spoke like this, you would have been entertained. Nice. Family time. What's happening, bro? I'm with them. What do you mean? You, I didn't my sign friend, up for this. Have changed. Tabdili aa gayi hai. Tabdili aa gayi hai. Yahan pe zarur aa gayi hai tabdili. Oh, I played it again. Listen. So how's your day going? You were talking about wellness. Okay, you want to know about wellness? Yes. Okay, so wellness... for you is Fortnite! Absolutely! But also you guys! I love you guys! I don't know. Do you sense this? The... That's kind of lame, yeah. No, so what would you say? So our topic today is wellness. So do you have anything to say about that? What would you want to tell the audiences? How do you, as Waqas Riaz, father of one
beautiful son. Mm-hmm. Want to come. Want to come. Inshallah. Stay young. Keep yourself young, grounded, happy. Honestly, I would say... Secret, yeah. Secret. Not cigarette. Secret of death, right? Be honest though. Cigarette does not keep you young. Cigarette, ni bhai. Yes. Honestly, family time. Which you don't have any. I have a lot of family time. Really? You're just waiting for me to say it. Then you're just gonna. Whatever I said, you're just gonna say it. That's coming from the primary source. Listen, you can't disagree with that. The one who lives with you, man. Primary color. Tell you the most. Listen, I have a lot of family time. ये हमको भिरकी दे रहा है मैम बोलने से ज्यादा ये चल रहा है मेरे बोलने से ज्यादा नहीं ये नहीं वो तो कहीं और से आती है आवाज अच्छा अच्छा ये नहीं है वो डीजे ढोल कर रहा है वो डीजे ढोल है अच्छा वो साउंड गाय है डीजे ढोल अच्छा साउंड गाय हमने रखा अच्छा अच्छा डीजे ढोल सो ये जब यहां पे कुछ कटता है हैज नथिंग टू डू विद द साउंड नहीं ये तो मैं अपनी उंगलियों की जरा वो चखा रहा हूं ये देखना Okay, so you were saying source of your happiness is family time. Family time, bro. Family time, honestly speaking, like it's necessary to spend time with family and, you know, because especially with the kids, bro. Because when I spend time with Uzad, like I feel so refreshed. Like when he's like playing with me and he's fighting with me and he's scratching my face, like what more can a person want? A daddy want. Yeah, daddy want. So being a father, it makes you really absolutely happy and well in life. Nice. And and then there's like time to self, you know, Fortnite time, which I have. And then you got another family to take care of on Fortnite. Is that what you're telling me? So two families. Do you celebrate their birthdays? Or like, you know, okay, this member ki aaj birthday, okay, everybody join in Fortnite, where they go, location, cake, cake, rakhte hain. Let's just dance around the cake. Let me ask you, I hope you don't have any Fortnite kids. Didn't think about that. Your kid is my Fortnite kid. Cheyenne. Oh, yeah, my kid and his cousin. Yes. Fortnite kids. Yes. So who's the mother in that? Mother. And the two kids. Stop, man. Just stop. Mother Don't Fortnite. Don't go into details, man. He's gonna get it tonight. Mother Fortnite. Mother Fortnite. Mata Fortnite. There's Mother Nature and then there's Mother Fortnite. I'll leave. We haven't seen Wakas's moves for a while. Why don't you know, do a little wave? I'm not here to dance, alright? You're here to talk. You're here to talk. You guys are not letting me talk. Okay, yeah, alright, we're just gonna get up right now, man. We're just having fun. Hey, come on, man. This is our own podcast. We can do whatever we want. Come on. You don't have to accept it. Hey. Nice. This camera kafi dinon se phasa hua hai. And we're back. Vakas. Haan ji. Tell me. What else is new in life? Because people missed you, okay? You've been missing. I have, bro. I mean, like, you know, responsibilities, you know, we got to take care of things first. Okay. And then, you know, I'm off of social media a lot, honestly. Yeah? How is that taking a break? Yeah. I mean, like, social media is not priority. Not right now. At all. I mean, it's been a while since it was. You know, family first, and then social media is, like, way down the thing. Do you think that also has affected your mental health in a way, being off of social media? I actually love being off of social media. You're not. It's very healthy for you, actually, being off of social media. Having that detox actually gives you better perspective on life. And about what's going on. Real life. Not in the screen, you know? Because a lot of people live through the screen. You got to live the moments. And not live through the moments. The realness. The yeah, exactly. Right. So. And plus everybody has so many different ideas all over the social network. So the way you want to live your life, you don't really know because... Exactly. Yeah, you know, always so many different ideas. Huh? Yeah. Always comparing and comparisons in the minds going on. Yeah. And that's what we were talking about earlier, that social media ki wajah se kitna the stress level jo high ho raha. Right. The more you stayed on social media, you start comparing yourself to other people. Right. Not a competition. Kuch logon ki life kis tarah ki aur meri life aisi kyun nahi hai. Right. Mm. Uski wajah se aap more and more depression ke andar jaate rehte. Basically, everybody in social media are always going to put the happiness
that they have. Faking it. Even if they're sad, they're gonna put something happy. Like, you're not gonna see the realness. Yeah, and if you're if you're comparing your life to those few snippets of their lives, then you're always gonna feel depressed. Right. Yeah. Because your life, you're living your life. There are bad, sad moments in your life. There are good moments in your life, and you're comparing them to just the best, most happy moments of other people's lives. Right. So of course you're gonna feel depressed and this is the sad dog music. You know the dogs that go up for adoptions in the shelters? Yung music that. I think you're just saying that. My question. I swear to God, all the commercials were like, adoption dogs. It's a very famous music. Yeah. Instrument. Because I was gonna ask you, why are you watching dog videos? You love dogs? Not me. I mean, dogs are amazing. Yeah, why not? You hate them? No. What? You guys are just trying to find something, right? What about selfies? We haven't seen a single selfie. What about the eyebrows game? What about those? Yeah. Good just days, fake it in days. Our eyes. Let us see the happy snippets of your life as well on social media. Where are the selfies at? Fake it for us also. No. Why would I want to fake it when I don't want to see other people fake it? I can't. Like, that's being faked then. हाँ जी अभी आप देख सकते हैं कि ये एक नई बुक शामिल हुई है और इसे जो है एक स्पेशल गेस्ट हमारे पास हैं जो इसे लेके आए हैं जो इसके बारे में बात करना चाहते हैं तो यह कि जगह आज फुल फ्रेम हो जाएगा फुल हाउस हो जाएगा सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स वेलकम माउंटेन ड्यू विदाउट माउंटेन ड्यू लेट्स वेलकम बकार रिज़वी आपने बुलाते लिया बैठेंगे कहाँ अंदर आओ यार मैं बहुत बड़ा हूँ ऐसे अंदर नहीं जाता अभी जाओ यार आ जाइए आपके लिए सारा पूरा साउंड सिस्टम डीजे डोल डीजे डोल बहुत प्यार करता है रिज़वी यार मैं ना बड़ा गलत जगह पे फंस गया अच्छा भाई तो टॉपिक के साथ ही शुरू करते हैं यार ये तो आलम चलना कौन सा भाई बड़ी सीट दे दी यार तुम इधर आ जाओ नहीं ये हमारा उसूल है आपको हम बताते चले क्योंकि आप हमारे सेकंड गेस्ट हैं आफ्टर द फेमस वकास रियाज जी वेलकम टू आवर शो पॉडकास्ट का ये आपको हमने जो है एकदम दावत दी और आपने इंस्टेंटली कहा यस राइट गो ये बुक के बारे में बताइएगा जल्दी से लेट्स गेट टू इट यार ये बुक से पहले जो है ना एक शेर है जो आते ही आया था मेरे जहन कहाँ नहीं मैंने वो ये है कि 100 चांद भी आएंगे तो क्या बात बनेगी आप आए तो इस रात की औकात बनेगी आज तो कुछ ज्यादा ही सीरियस हमने माहौल कर दिया है तो खैर बुक जो है परवीन शाकिर की है अच्छा और वो बहुत बड़ी पोएट है उर्दू जबान की पोएट है एक्चुअली सही क्या नाम किया इस बुक का इनकार 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 जो कि हर दूसरी लड़की आजकल मुझे कर रही है ये बड़ा मसला है बहुत बहुत कम होता है कि एक लड़की को इनकार मिला है और उसने किताब लिखी है उसके बारे में मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था अच्छा इसे इनकार इसे हुआ है जी अच्छा इन द बुक नहीं लेकिन एक्चुअली उन्होंने किताब में जो है इस सोसाइटी को एक इनकार किया है तो सोसाइटी में जो जो चीजें उनको पसंद नहीं थी उसके बारे में उन्होंने लिखा है जिस तरीके से हम लोग किस तरह से कहा जाए कि बेसिकली अपने जैसे भी वकास बात कर रहा था कि बीइंग रियल बहुत सारे लोग रियल नहीं हो रहे हैं तो उन्होंने उसके लिए किताब लिखी है कि वी शुड बी रियल टू हु वी आर आई फील लाइक किसी से साथ उसको शायद प्यार हो गया था और वो उसको नहीं मिला इस वजह से उसकी सारी शायरी में ये चीज नजर आती है बिल्कुल काफी नमी उतरने लगे ना तो समझ जाएगा ये वाली तकरीर लेकिन ये खूबसूरती है सबकी भाषा में बिल्कुल भाषा या हिंदू उर्दू का या फिर यही खूबसूरती है सबकी विपाशा में ये है आई एम मैच्योर सही कहा था हमने इसको अच्छा आप कुछ सुनाने भी लगे थे हमें इस किताब में से खैर मैंने एक दो गजलें निकाली हैं जो शुरू में तो मेरी नहीं है मैं अपनी बाद में सुना दूंगा थोड़ा ठहर के एक मुझे हमद बड़ी आज बड़ी पसंद आई थी तो मैंने रख ली थी अपने पास अतबाफ अबरक एक साहब हैं जो बहुत अच्छी गजलें लिखते हैं और बड़ी उनकी मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि उनकी गज़लें और उनके कलाम हर कोई पढ़ सकता है तो वो मुश्किल उर्दू में नहीं होते तो खैर उसका शेर एक हमद है
تو شعر یہ ہے, بخش دیتا ہے وہ خطاؤں کو, ہاتھ اٹھتے ہیں جب دعاؤں کو. تو اس کے بعد لکھا ہے, دل سے گرتا ہوں جب میں سجدوں میں, دور کرتا ہے سب بلاؤں کو. اس کے بعد ہے, میں پرندہ ہوں تھک بھی جاتا ہوں, پر لگاتا ہے وہ فضاؤں کو. وقت کی سختیوں کو ٹالے وہ, وہی لاتا ہے دھوپ چھاؤں کو. اس کے بعد ہے کہ, سب تکبر غرور چھین میرا اور مٹا دے میری اناؤں کو. تو مجھے بڑی پسند آئی تھی آج حمد, اور ادباف ابرک صاحب جو ہیں وہ مجھے اس لیے پسند ہیں کہ اسی طرح کی چیزیں میں بھی لکھنا چاہتا ہوں کہ ہر پڑھنے والا جو ہے آسان ہو. کیونکہ میں نے اسٹرگلنگ, میرے ساتھ بڑا اسٹرگل ہوا تھا کہ جب میں نے اردو پڑھنا شروع کی تو میں نے کافی جن مشہور لکھنے والوں کے نام سنے وہ اتنے اعلیٰ پائے پہ لکھتے تھے کہ اتنی تو میری اردو کی انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں تھی. اور آج کل ویسے بھی اردو کا معیار جو کافی گر گیا ہے, آبویسلی لوگ کم اردو بولتے ہیں, ہم تو کم ہی اردو بولتے ہیں اپنی روزمرہ کی لائف میں. پاکستان میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اردو جو ہے وہ بولنا آلموسٹ ختم ہی کر رہے ہیں. وہاں پہ بچوں کو سب سے زیادہ لوگ کہتے ہیں انگلش بولو بچے, فورس کرتے ہیں. ہاں جی, اسکولوں میں کہاں بولی جاتی ہے؟ بیکاز آئی نو دس از ڈیفینیٹلی ناٹ ان پنجاب, آئی نو ایون کراچی میں, لکھنؤ بیسیکلی جو ہے, حیدرآباد, رائٹ, بڑی تمیز دار اردو کا مزہ. وہ اردو, ہاں وہ ہے جو جہاں پہ صحیح اردو بولتے ہیں. جی جی جی, کر لیجئے جی, کر لیجئے. لکھنؤ جو کہتے ہیں وہ گڑھ ہے انڈیا میں اردو کا. اچھا, اور پاکستان میں بھی اسی طرح حیدرآباد, کراچی, راول پنڈی میں بھی, راول پنڈی میں تھوڑی ذرا سرائکی ٹائپ بھی آ جاتا ہے, لیکن پھر بھی اردو اسپیکنگ لوگ ہیں. وہ اب ویسا نہیں رہا, آپ کی جو شاعری ہے وہ ویسی نہیں ہے جیسی پہلے شاعری ہوا, جیسے گلزار وغیرہ نے شاعری کی ہے اپنے زمانے میں, جاوید اختر نے کی ہے. آج کل کے تو جو سانگز ہیں, ماڈرن سانگز جو ہیں, وہ تو صرف آئٹم نمبر رہ گئے ہیں, ان میں شاعری نہیں رہ گئی ہے. آئٹم نمبر سے یاد ہے وہ آج, آئی ڈونٹ نو اف یو گائز واچ دیٹ, حمزہ علی باسی, یا ہی واز سو اپسیٹ. وہ ایک لڑکی آتی ہے نا اس شو میں آڈیشن دینے, اینڈ شی واز آئٹم نمبر پہ ڈانس کر رہی تھی, اینڈ ہی واز لائک گوئنگ آف کہ بھائی وی آر سوری, وی اپولوجائز دیٹ وی ریپرزینٹ دس کائنڈ آف میڈیا. اچھا, اس طرح کا ہوا یعنی؟ اس نے پوری پراپر طریقے سے کہا کہ یو نو آئی ڈونٹ سپورٹ دس, کہ جو کیا کہتے ہیں اسے, اس کو بالکل بھی سپورٹ نہیں کیا اس نے, بلکہ اس کے خلاف بولا اور سوری بھی کہا کہ یو نو دس از واٹ وی ڈو, وی ڈو پروموٹ اٹ, پٹ اٹ ان اور موویز, اور یہ گندگی ہے. کیونکہ ایک وقت میں اس کے حمزہ کے اوپر کافی تنقید ہوئی تھی جب اپنی مووی میں اس نے آئٹم نمبر کیا تھا, وہ جوانی پھر نہیں آنی, اس میں سوئمنگ پول کا سین کافی مشہور ہوا تھا کہ اس طرح کا سین اس نے اپنے فلم میں دیا, اور وہ اس کے بعد سے یہ کافی چینج ہوا ہے, اس نے اپالوجائز بھی کیا ہے, اور اس میں کافی اس نے اس حد تک چینج کی اپنی چیزیں ساری. وکاس, واٹ وڈ یو سے اباؤٹ آئٹم نمبرز؟ وڈ یو ایور ڈو ون؟ یو نو, آئی واز کنسیڈرنگ اٹ بیفور دس ہول تھنگ کیم آؤٹ. یو جسٹ ری کنسیڈر رائٹ ناؤ. یو نو, آئی واز کنسیڈرنگ اٹ بیفور دس ہول دس عباس علی خان تھنگ کیم آؤٹ, دیٹس ہز نیم. بٹ آنیسٹلی آئی فیل لائک اٹس دا ڈائریکٹرز ڈیسیژن جب وہ ڈالتے ہیں, بیکاز اٹس ناٹ نیسیسری, اٹس نیور نیسیسری. تو اگر ڈائریکٹر تمہیں بولے گا کرنے کو, ول یو ڈو؟ اگر ڈائریکٹر شہری ہے تو میں کروں گا, تیرے لیے ناچ ہوگی. ہاں, تم شاعری سنا رہے تھے کچھ اپنی؟ یس, لیٹس ہیئر مور. اپنی سنو. یہ ہم تو ہو گئی نا, اب تم سناؤ. دراصل میرے کام میں اتنی میچیورٹی نہیں دیکھے گی, میں بھی تھوڑا سا حماد کی طرح امیچور ہوں. میں بھی دو تین, اگر اجازت ہو تو اس سے پہلے آپ تو, یہ دنیا میں رہ کر سپنوں میں کھو جاؤں, کسی کو اپنا بنا لوں یا کسی سے کسی کا ہی ہو جاؤں. تھوڑے ہم ذرا کمزور ہیں لیکن کوئی بات نہیں. اگر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے تو چادر تکیا لوں اور سو جاؤں. میرا حال یہی زیادہ اچھا ہو گیا, آپ سو جاؤ. ہاں, تو خیر, ایک غزل لکھی تھی میں نے دو چار پانچ دن پہلے, شاید شہری کو سنائی ہے, شاید نہیں سنائی. خیر, وہ کچھ یوں تھی کہ جب کئی غیر زندگی میں آنے لگتے ہیں, ہمارے اپنے ہی نظریں چرانے لگتے ہیں. قریب آتے ہیں. اچھا, قریب آتے ہیں. جب کئی غیر زندگی میں آنے لگتے ہیں, ہمارے اپنے ہی نظریں چرانے لگتے ہیں. یہ رشتے توڑنے والوں سے کوئی پوچھے تو انہیں پتا بھی ہے کتنے زمانے لگتے ہیں. ہر ایک شخص منتظر ہے اس سے ملنے کا, وہ گھر پہنچتا نہیں لوگ آنے لگتے ہیں. لگی ہے آگ بچانے نہیں آتا کوئی,
मुझे गरीबों के ये आशियाने लगते हैं। कोई तकलीफ दे तो आप मुस्कुराते हैं, सफर में आप मुसाफिर पुराने लगते हैं। और आखिरी शेर है कि अभी तो चोट पे मरहम नहीं लगाया वकार, वो दे के जख्म नए आजमाने लगते हैं। ये रिएक्शन रियल आया ना। हाँ, ये बहुत गहरा है। ये कभी कभी कुछ अल्फाज होते हैं ना जो छू जाते हैं, जो बंदे ने बातें कही नहीं होती। You wrote that? Yeah. अच्छा, let me ask you this. किस तरह लिखते हो जब तुम, तो क्या तुम्हारा प्रोसेस है? दरअसल मेरा प्रोसेस कुछ ऐसा है कि शुरू में तो मैंने जब लिखना शुरू किया था तो मुझे रदीफ काफिया का काफी मसला हो रहा था कि मेरे मैच नहीं करते थे कभी कभी। मुझे लगता रदीफ काफिया किसी को समझ नहीं आएगा कि क्या, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करो। मुझे तो समझ आ गया, लेकिन थोड़ी बराबर में बैठे होते ना दुकान पे, मैंने कहा तो समझ नहीं आएगा। उनसे मिल जाता है, उनसे मिल जाता है, मैं उनसे मिल गया। चलिए आसान जुबान में, आसान जुबान में समझाता हूँ कि जो आपका आखिरी लफ्ज होगा हर हर लाइन का, पहले शेर में जो आपका मतलब होगा वो दोनों सेम होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और जो सेकंड लास्ट होगा वो राइमिंग होना चाहिए, ठीक है। और जो आखिरी शेर होगा उसमें अगर शायर चाहे तो अपना तखल्लुस इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि नहीं करे। कुछ शायर ऐसे भी हैं जिन्होंने कभी जैसे गालिब हर अपनी गजल के एंड में कहता था गालिब, ये कहता है गालिब, जॉन भी बहुत कहते हैं, poet in my eyes for the last 100 years or so. Not 100 years. I mean, he's a big poet, but not last 100 years. Basically, jab Pakistan jab se bana hai, tab se I would rank him number 1. Aba Allama Iqbal versus... don't be that guy now. Competing with John Elia versus Allama. Sagar Siddiqui se upar rakhoge John Elia. Sagar Siddiqui se upar rakhoge John Elia. Haan, main to rakhunga. Main kehta hu na Sagar Siddiqui, na John Elia, sirf ek John Cena. वो भी पता है, बहुत सारी चीजें लिखता है। हाँ, हाँ, बड़ी बड़ी चीजें लिखता है। लोग पूछते हैं कि आसमान में तारे कितने हैं, साले ये नहीं पूछते कि दुनिया में कुआरे कितने हैं। ये इसने शादीशुदा बैठे सारे लोग हो, उसका कुछ करो यार, पूछ रहा है हम क्या करें, वो बेचारा इतना परेशान है। एक सिंगल मैं बैठा हूँ यहाँ पे सबके, सिंगल मैरिड 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 इमैच्योर, वो कहना है लड़कियों ने जिंदगी भर गम दिया ना, इस वजह से लड़कियों ने जिंदगी भर गम दिए, जितने भी नंबर दिए सारे बंद दिए। आज तो ये नहीं रुक रहा, आज तो कुछ हो गया, आज वेलनेस को छेड़ दिया हमने, पूरी इसकी वेलनेस पे चली गई है नजर, पहुंच गई है सारे दर्द भर उभर के आ रहे हैं। आमद हो रही है इसको शेरों की, आमद हो रही है वाकई। हाँ, तो खैर खुर्रम भाई प्रोसेस पूछ रहे थे, तो प्रोसेस कुछ यूं है कि शुरू में जो है बड़ी स्ट्रगल होती है, जब बेसिकली आपको वोकैबुलरी पे इतना उबूर नहीं होता, बेसिकली उबूर से मुराद यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर इट, तो जब वो नहीं होता तो बड़े मसले होते हैं कि भाई किस तरह से राइम किया जाए, क्या किया जाए, और जो अल्फाज आपको पता होते हैं वो बेसिकली सेम मीनिंग नहीं होता, आपकी बात पूरी नहीं हो पाती। तो खैर, तो मैं ये करता था कि शुरू में मैं सिर्फ ख्यालात लिख लेता था और फिर घर आके डिक्शनरी खोल के उनको वर्ड्स ढूंढता था कि किस तरह से मैं राइम करा सकता हूं। या यूं भी कह सकते हो कि लुगत खोलते थे। हाँ, लुगत खोलते। But I noticed कि जो तुम्हारी शायरी है, it's more on the, you know, the saddening side, थोड़ी depressing. हाँ, ऐसा क्या दुख मिल गया? ऐसा क्या छुपा है? अभी इतनी young age में इतने बड़े-बड़े दुख ले रहे हो? This is not actually sad side पे नहीं है। शायरी basically निकलती जो ना दर्द से, कुछ आर्ट निकलता है। किसी किस्म का भी जो आर्ट है ना वो दर्द से निकलता है। Is that if you're always happy? एक बात जॉन एलिया ने भी कही थी कि मैं दर्द लिखता हूँ, आप महसूस इसलिए करते हैं कि आपने भी झेले। बिल्कुल। तो वो कहता है कि पीपो जिन्होंने जिंदगी में दर्द नहीं झेले वो मेरी शायरी वो महसूस भी नहीं करते, क्योंकि उस चीज से वो रिलेट ही नहीं कर सकते। शायरी के लिए व्हाट आर यू डूइंग लाइक टू पुट योरसेल्फ आउट देयर? जैसे अमेरिका में तो इस तरह का कोई हमारे पास आई डोंट थिंक ऑप्शन है। ऑप्शन तो नहीं है, मैंने एक दो मुशायरे करे थे, लेकिन वहां पर इतनी यंग आवाम नहीं आती है, ज्यादातर काफी उम्र की हमारे यंग आवाम तो इस चीज से बिल्कुल ही वो है। और वो लोग पसंद भी कर रहे थे, लेकिन दरअसल वो कहते थे कि तुम क्या करते हो, मैंने कहा जी मेरा इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, तो वो कहते हैं जी इंस्टाग्राम क्या होता है, टू डिफरेंट वर्ल्ड्स कोलाइड। वो फिर वहां पे जाके जनरेशनल गैप आ जाता है, जनरेशनल गैप। एग्जैक्टली। तो अभी फिलहाल मैं थोड़ा सा शहरी की हेल्प से और अपने एक दो दोस्तों की हेल्प से वीडियोस बना रहा हूँ, तो वो इंशाल्लाह इंस्टाग्राम पे डालूंगा, और इन द फ्यूचर
कुछ हफ्तों में YouTube चैनल भी स्टार्ट करने का इरादा है. नाइस, क्या बात है. ये सारी चीजें हमें जो हम जैसे लोग हैं, आर्टिस्ट टाइप लोग हैं, उन लोगों इन चीजों से फायदा उठाना चाहिए. Instagram, YouTube और ये सारी चीजें, Facebook वगैरह होता है. ये तो एक वही वैसी वाली बात हो गई कि जा रहा था अंधेरे में, मुझे डर लगता है, पैर फैलाओ तो दीवार में सर लगता है. जो सिचुएशन यार, इतना सीरियस लेके सरों में कहां से लेके दीवारों में सर लगा है, वो पैर टकरा रहे थे ना, तो इसने बोल दिया और चादर लेके सो रहे हो. यहाँ पे भी मैं अब पैर अपने फैलाऊंगा तो मेरे दीवार पे सर लगेगा. इतने बड़े, इतने बड़े आलीशान स्टूडियो में भी आपके पांव लग रहे हैं, क्या हो गया यार. ओके, वेल दैट वाज अ गुड नॉलेजेबल. जो भी चीजें इसने बताई हैं बड़ी नॉलेजेबल. डेफिनेटली रीड दिस बुक. ओह या, पहले मुझे उर्दू पढ़ना सिखा दो, बाकी वो सब हो जाएगा. बिल्कुल. सो डेफिनेटली उर्दू पढ़ना सीखनी चाहिए यार हम लोग. राइट. आप ये अब सोचो, तुम्हें तो आती नहीं उर्दू, राइट? पढ़ना नहीं, मुझे आती है. तुम्हें थोड़ी बहुत आती है, नेक्स्ट जनरेशन को क्या होगा? नहीं, उनका उनको तो बिल्कुल नहीं होगा. राइट. तो कोशिश करनी चाहिए अपने बच्चों को, थोड़ी बंदा उर्दू थोड़ी बहुत तो पढ़ाए. ऑलराइट, सो वेल ये जो है काफी लंबा हो गया है पॉडकास्ट. अमेजिंग पॉडकास्ट इट हैज बीन. वी हैड टू गेस्ट, पता भी नहीं चला टाइम का बिल्कुल भी. और ये है कि आप देख सकते हैं कैमरा की एडिशन भी हुई है, तो प्रोडक्शन वैल्यू सर ऊपर जा रही है. अजीज जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहा है, पीछे लगा हुआ. माइकल, मार्को और कौन से दूसरे लोग, पाब्लो भी है. दरवाजा ही नहीं खोला मेरा भाई, मैं आया अंदर, कोई पानी नहीं पिला रहा, कोई दरवाजा नहीं खोल रहा. यार उनको पता ही नहीं है तो फिर व्हाई डू दे एक्सपेक्ट द रॉन्ग पर्सन टू ओपन द डोर फॉर देम. नहीं नहीं, उसको मतलब कुर्सी दे दो, वेट कर रहा हूं अभी मैं अजीज को. नहीं नहीं नहीं, एक मिनट ठहरो अभी. इन्वेस्टिगेट कर ले पहले, हुआ क्या. अब चौकीदार वहां पे नहीं होगा. नहीं 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 नहीं, सारी सारी चीजें जुड़ी हुई हैं यहां पे, सारी चीजें जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से कनेक्ट. लेकिन मैं चाहता हूँ कि खुर्रम भाई आप इसको इख्तिताम करें और जरा हमारी जो ये पूरी एम्प्लॉयज हैं सारे, उनको जरा एक तड़के का पॉडकास्ट के कह दें, एक मैसेज, दिलदार मैसेज कर दें आप. देखो लड़कों, ये जरा म्यूजिक लगे, जूम इन हो, जूम इन होना चाहिए अब जरा, स्लोली स्लोली जी जरा. अगर इस पॉडकास्ट का लेवल ऐसे ही रहेगा तो आप लोगों की जॉबें जो है वो ज्यादा दिन कायम नहीं रहेंगी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक क्वालिटी का पॉडकास्ट देना चाह रहे हैं. हम लोग एंटरटेनमेंट के साथ, और गुस्सा एंटरटेनमेंट के साथ, और थोड़ा हम लोग चाह रहे हैं कि अच्छा मैसेज दें, लेकिन आप लोगों की वजह से सारा काम खराब हो रहा है यहाँ पे. और इन्होंने देखे, इसको पानी नहीं दिया, उसको बैठने आपने नहीं दिया, एक बंदे को इसको बैठने नहीं दिया, इसको पानी नहीं दिया, इसको इसको पानी नहीं दिया, नहीं दिया. शक्ल देखो उसकी, शक्ल देखो कैसी हो गई है इसकी, कब से पानी को तरस रहा है ये बंदा. माइक को हो गया. लो भाई, आपने सुन लिया है खुर्रम भाई की प्यारी सी मीठी सी डांट. अभी हम यहाँ इस, हाँ जी कुछ कहना चाह रहे हैं. हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर लोग लाइव देखना चाहते हैं ये मैं कह रहा हूँ, अगर लोग ये लाइव देखेंगे या नहीं, अगर हम लाइव करें, ये लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, लाइव स्ट्रीम करें, लाइव स्ट्रीम करें, लाइव स्ट्रीम हो सकता है बिल्कुल. आप लोग अगर कहते हैं तो लाइव भी हो सकता है हमारे, वैसे भी अनकट, वैसे भी. हां, क्वेश्चन वी कैन डू अ पीपल्स पॉडकास्ट. यस, पीपल्स पॉडकास्ट, वी कैन डेफिनेटली इन फ्यूचर हम लोग इस तरह करेंगे कि टाइम बताएंगे लोगों को, राइट, कि उस टाइम पे वो फिर हमसे बात करें और इंटरेक्ट कर सकें हम लोगों के साथ. डेफिनेटली दैट वुड बी अ गुड पॉडकास्ट. या डेफिनेटली. तो ये है कि अभी इस पॉडकास्ट को हम यहीं थोड़ा सा क्लोजर की तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि आई हैड अ ग्रेट टाइम. आई डोंट नो अबाउट यू गाइस. यस, हैड अ ग्रेट टाइम. व्हाट फन है, इसे आइटम नंबर चाहिए यार. सो वेल, थैंक यू सो मच वकार और वकास. आर और एस का ही फर्क है, इसलिए हमने कहा जरा एक है, एक ही नाम में दोनों बंदों को. टू डब्ल्यूज, एक पॉडकास्ट में ही मुकाएं दोनों मुकाएं. लेकिन ये है कि वकास तो कह रहा है कि he wants to stay here और ये नहीं जाने वाला. Wants to get out of his Fortnite chamber. No, no, वो मैं इधर नहीं करा रहा हूँ. ये लगता है यहाँ पे बैठ के Fortnite खेलेगा और हम लोग बाहर होंगे. थोड़ा वैसे भी थोड़ा हैवी था तुम्हारे लिए ना, यूथफुल थी ना बात. मजा नहीं आया. कल इसे और मजा देंगे, कोई मसला नहीं है. लेकिन आज का पॉडकास्ट यहाँ एंड होना चाहिए. थैंक यू सो मच गाइज, एंड टून इन टुमारो इंशाल्लाह.
and a love it. And thank you very much. Yes.